भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत अनेक राज्यों में भारी वर्षा की संभावना है। दूसरी ओर ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगस्त के महीने में लगातार 15 दिन तक बारिश हुई। आईएमडी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में अगस्त की शुरुआत से लेकर शुक्रवार तक हल्की से लेकर भारी बारिश हुई। जयपुर से मिले समाचारों के अनुसार राजस्थान के जोधपुर, अजमेर और बीकानेर संभागों के कुछ हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। भुवनेश्वर से मिले समाचारों के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण शुक्रवार को ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। आज के मौसम की संभावित गतिविधि। मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार आज शनिवार 17 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, कर्नाटक भागों, विदर्भ, तेलंगाना और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। लद्दाख, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, सौराष्ट्र और कच्छ, विदर्भ, तेलंगाना और ओडिशा में हल्की बारिश संभव है।